लंबाई 11 फीट, चौड़ाई 31 फीट और वजन 1100 किलो। ये है देश का सबसे बड़ा धनुष। अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन के लिए अभी भी लाखों श्रद्धालु आते हैं। लाखों करोड़ों का दान भी आता है। हर राज्य के लोग मंदिर में कई चीजों का दान कर चुके हैं। इसी क्रम में अब राजस्थान से 1100 किलो की 5 धातु से बनी धनुष बाण और 1600 किलो की गदा अयोध्या में दान के लिए आई हुई है। श्री जी सनातन सेवा संस्थान शिवगंज से आचार्य दीदी डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण गौड़ के नेतृत्व में पंच धातु से निर्मित धनुष और गदा राम रथ यात्रा के जरिए अयोध्या लाए गए हैं। दोनों ही अयोध्या में राम मंदिर परिसर में स्थापित किए जाएंगे। हनुमान गदा की लंबाई 26 फीट, चौड़ाई 12 फीट और वजन 1600 किलो है। आपको बता दें कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। यह बहुत प्रसिद्ध धनुष था, इसलिए श्री राम को कोदंड भी कहा जाता है। कोदंड का अर्थ होता है बांस से बना हुआ। वहीं राम भक्त हनुमान की गदा का नाम कौमोदकी था। यह गदा उन्हें कुबेर देव से प्राप्त हुई थी। खैर, भगवान श्री राम को समर्पित यह मौजूदा धनुष और भगवान हनुमान की गदा बनाने का काम वास्तु आर्ट शिवगंज ने किया है। इसे 20 कारीगरों ने 45 दिन लगातार काम करके तैयार किया है। इस टीम की अगुवाई हितेश सोनी कर रहे थे। इसको तैयार करने वाले कारीगरों में भी उत्साह और उमंग थी कि उनके द्वारा बनाया गया हनुमान गदा और भगवान श्री राम का धनुष अयोध्या जाएगा। कारीगरों ने कहा कि उनके लिए गर्व की बात है कि उन्हें यह काम करने का मौका मिला है और वे अपने आप को इसके लिए सौभाग्यशाली समझते हैं। इस धनुष और गदा अयोध्या लाने की यात्रा राम रथ के रूप में शिवगंज से प्रारंभ हुई थी। ये जहां जहां से होकर गुजरी वहां इसके साथ फोटो सेल्फी लेने के लिए होड़ मच गई। इसके कारण लोगों में राममयी माहौल हो गया और हर कोई जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहा था। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों ने धनुष गदा का दर्शन किया और फूल बरसाया। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।